नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। तो मैंने WhatsApp पे एक पोल भेजा था कि मैं मराठी में कंटेंट बनाऊं या फिर हिंदी में कंटेंट बनाऊं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में वो सेंड किया था, तो 35 वोट्स आए हैं हिंदी को और 11 वोट्स आए हैं मराठी को। तो जैसे मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं हम हिंदी में कंटेंट बनाएंगे, तो पहला ही ब्लॉग हम रत्नागिरी में जा रहे हैं। हम देवरुख से रत्नागिरी जाएंगे, रत्नागिरी से आरे वारे रोड होते हुए फिर देवरुख में वापस आएंगे। ऐसी ये जर्नी हमारी होगी, तो देखते हैं जर्नी कैसे होती है। निकलने के बाद जैसे ही रत्नागिरी पास आई, हम पहले ही होटल देख के खाना खाने के लिए रुके। खाना पीना सब होने के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं रत्नागिरी की एक फेमस जगह जिसे कहते हैं थीबा पैलेस। मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, हम अभी अंदर जाके आ रहे हैं। बाहर अंदर शूटिंग की परमिशन नहीं थी, इसीलिए हम शूट नहीं कर पाए, तो हम बाहर से शूट कर रहे हैं। दोस्तों, यह है थीबा पैलेस। ये पैलेस 1910 में बनाया गया था और उस वक्त ये बनाने के लिए 1,70,000 की लागत लगी थी। ये बहुत ही बड़ा पैलेस है। उसके बाद जब थीबा राजा का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो ब्रिटिशों ने ये सब सील कर दिया। उसके बाद 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो ये लोगों को देखने के लिए खुला कर दिया गया। तब से यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, ये पैलेस देख रहे हैं। तो दोस्तों, अंदर हमने जाके देखा कि बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स वहाँ पर रखे हुए हैं। शिवलिंग रखा हुआ है, फिर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, ब्रह्मा जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है, और उसके साथ साथ ही पुरानी चीज़ें जैसे घड़ा या फिर हंडा रखा हुआ है। और इसके साथ साथ ही रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों को फ़ोटोज़ वहाँ पर रखी गई है। किंग थीबा की फ़ोटो रखी हुई है। तो जितना जितना मैं आपको बोलते जाऊँगा आपको अच्छा लगते जाएगा। फिर भी अगर आप जब रत्नागिरी में आओगे तो इस पैलेस को ज़रूर विज़िट करना। आने वाले 15 दिन की इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए फ़ोटोशूट करने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। तो अब हम आए हैं आरेवारे बीच पे। उधर समुंदर है और इधर सब ऐसे पेड़, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे जन्नत में आए हो। और यहाँ से रास्ते से हम जा रहे हैं नीचे। बीच पे सब खेल कूद के हो गया है। अभी थोड़ी सी प्यास लगी है, इसीलिए पानी वानी, नींबू पानी वगैरह कुछ मिलता है क्या देखेंगे, और तो उसके बाद फिर घर जाएंगे।
दो नींबू पानी और दो प्लेट भेल के लिए उस ठेले वाली दीदी ने लगभग आधा घंटा लगा दिया था। बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। लगभग एक घंटे के बोरियत के बाद फाइनली हम अपने घर वापस जा रहे थे। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चार्मिंग सैटिन चैनल को सब्सक्राइब करो।